नमस्कार, कोसी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं वाणी। इस कोरोना काल में हरेक आम इंसान आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। बाढ़ और कोरोना को लेकर के कोसी क्षेत्र के लोग कई वेदनाओं को झेल रहे हैं। इसी बीच पूर्णिया जिला के वार्ड नंबर 2 में उपेंद्र पासवान इन दिनों आर्थिक तंगी से लाचार और विवश हैं, तो वहीं डीलरों की मनमानी साफ तरीके से देखा जा रहा है। जब से कोरोना का दस्तक दिया है, तब से भारत सरकार के द्वारा 5 केजी प्रति व्यक्ति की दर से अनाज देने का प्रावधान आया है, जिसको लेकर के राशन कार्ड नहीं हो फिर भी फ्री में राशन देने का प्रावधान है। मगर इस लाचार व्यक्ति के पास पीला कार्ड होने के बावजूद भी डीलरों ने राशन देने से साफ मना कर दिया है। यह बुजुर्ग शख्स कई जगह गुहार लगा चुके हैं, सरकारी अधिकारी से लेकर के स्थानीय प्रतिनिधि तक, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं मिल पाया है। इन्होंने नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन अब तक इनका नया राशन कार्ड भी बन के नहीं आया है। इनके घरों में राशन नहीं मिलने के कारण इनकी घर की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। यह शख्स इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि कोई काम करके भी अपना जीवन यापन गुजार सकते हैं, ना राशन मिलता है। ऐसे हालात में इनका परिवार भूखा मर जाएगा। अगर कल के डेट में यह शख्स भूखा मर जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि गरीब के हिस्से का अनाज गरीब को क्यों नहीं मिलता है। साहब से बातचीत कर ले रही है टेलीफोन से, तो कलेक्टर साहब कल के कि ऑफिस में जाके कागज दे दो, तो हम ऑफिस में कागज जमा कर दिलिए और अभी तक कोई तरह का बात नहीं भा रहा। कई महीना से नहीं मिल रहा राशन, 3 महीना से राशन नहीं मिल रहा। 5 किलो सरकार जे ऑर्डर कर ले रहे, नहीं वो राशन मिले छे, नहीं कार्ड वाला राशन मिले। तो ई जे छे कै गो परिवार में सदस्य छे? अभी हम 12-14 परिवार सदस्य छे। 3 महीना से कोई राशन पानी नहीं, राशन नहीं, कोई काम रोजगार नहीं छे। लॉकडाउन में कई तरह की दिक्कत, इतना दिक्कत चली रहल छे कि अभी हम भूखे खाने भी नहीं तरस रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कहीं भी शिकायत करते हैं कोई सुनवाई नहीं है। वार्ड कमिश्नर के पास गए तो वार्ड कमिश्नर कहा कि 8 दिन में राशन कार्ड बन जाएगा, उनको मिल जाएगा राशन। लेकिन डीलर को वार्ड कमिश्नर ने बोला कि इसको दे दो कुछ राशन, तो डीलर कहता है कि ब्लैक से लेना है तो लो, ऐसे नहीं दूंगा। अपन पता बोला? हमारा पता मधुबनी खाली स्थान हाई स्कूल के निकट घर है, वार्ड नंबर 2। ठीक।